नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PFUAN में पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो UAN में पासवर्ड बनाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास UAN नंबर होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि PF अकाउंट का UAN नंबर में आधार एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो थ्री डॉट में क्लिक करना है। और सबसे नीचे वहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो उसके जस्ट आगे में एक बॉक्स देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सिंपली सर्च करना है UAN सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है वेबसाइट, तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसी में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं साइन इन रीसेट, उसके जस्ट नीचे में फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हमें क्या करना है फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर UAN नंबर भरना है। UAN नंबर भरने के बाद में नीचे देख सकते हैं इंटर कैप्चा, तो इंटर कैप्चा में सेम वहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है दिया है, वहाँ पर जैसा है वैसे ही भर देना है। उसके बाद में नीचे साइड में देख सकते हैं सबमिट बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भरना है नेम, जैसे आधार कार्ड में नाम है वैसे ही सेम यहाँ पर भरना है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में भी वैसे ही जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही सेम भर देना है। भरने के बाद में नीचे देख सकते हैं मेल फीमेल एक्स जेंडर, तो यहाँ पर भरना है या टिक कर देना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल में क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है वेरीफाई बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो गया है, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा डिटेल है, नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर, तो इसके नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर इंटर कैप्चा, तो इंटर कैप्चा में कैप्चा फिल करना है, उसके जस्ट नीचे में आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में जस्ट नीचे देखेंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दूसरा पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर क्या भरना है जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं गेट OTP, तो गेट OTP में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ देख सकते हैं नीचे इंटर कैप्चा, तो इंटर कैप्चा में कैप्चा फिल करना है, उसके बाद में इंटर OTP, तो इंटर OTP में क्या करना है आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को यहाँ पर इंटर OTP में टाइप कर देना है। अगर आपका OTP अगर नहीं आया है तो रीसेंट OTP में क्लिक करके दूसरा OTP आ सकता है, तो यहाँ पर अगर आपका OTP आ गया है तो उस OTP को यहाँ पर भर देना है इंटर OTP में, उसके बाद में वेरीफाई बटन में क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो गया है, तो सबसे नीचे में यहाँ देख सकते हैं न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पासवर्ड कैसे बनाते हैं चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए आपका नाम राम है, तो राम में सबसे पहला अक्षर आता है आर,
तो आर को कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद में आप स्मॉल लेटर डाल सकते हैं राम, उसके बाद में सिंबल डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल एट द रेट डाल सकते हैं, हैशटैग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एट द रेट यूज कर रहा हूँ, एट द रेट। उसके बाद में नंबरिंग यूज कर सकते हैं, एग्जांपल वैसा थोड़ा डिफिकल्ट वाला नंबर यहाँ पर लिखना है तो जैसे कि 9532 कुछ भी चार अंक लिख सकते हैं। लिखने के बाद में न्यू पासवर्ड में टाइप करने के बाद में नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम टू सेम उसी को भी यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। अगर आपका पासवर्ड इनवैलिड बताएगा तो दूसरा तरीका से भी आप भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वाला अक्षर होना चाहिए कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर, उसके बाद में आप जैसे भी भर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।